हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार अब इन्वेस्ट फॉर एवर हो गया। तो अगर हम बात करें कल की दे परसों की डेट की, तो यहाँ पर दो वीडियो आपके लिए पेश करी थी। उससे पहले भी यहाँ पर दो वीडियो यहाँ पर आई है, तो इन वीडियो को जाके देखिए, नॉलेज लीजिए। और नॉलेज लेके अगर आप मार्केट में आएंगे तो काफी बेहतरीन पैसा आप मार्केट से कमा सकते हैं। सो अगर हम बात करें तो आने वाले 10 साल में आप अच्छा खासा पैसा मार्केट से कमा सकते हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखी हुई है, तो उस अपॉर्चुनिटी को मुझे लगता है कि हर एक इंडियन को, जितने भी हम भारतवासी हैं, उन सबको ग्रैब करनी चाहिए और अच्छा खासा पैसा मार्केट से कमाना चाहिए उसके लिए। बट सबसे पहले सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपका 6 महीने भी सीखने में चले जाते हैं, कोई बुरी बात नहीं होगी। उसके बाद धीरे धीरे आप कमाना शुरू करेंगे तो इतना पैसा कमाएंगे कि यू कांट इवन इमेजिन। अगर बात करें, यहाँ पर 3 प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है। इन प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए और इनसे वीडियो से सीखिए, और सीखने के बाद आप मार्केट में आइए, शेयर को चूज करिए, स्टडी करिए, मेहनत करिए, फिर उसके बाद अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट, अगर आपका नहीं है तो वहां पर क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और इस वीडियो की बात करें तो 4 ऐसे स्टॉक से रिलेटेड मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर इसमें हम पैसा लगाते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में, मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें ऐसे बिजनेस चूज करने चाहिए जो 10 साल का कम से कम प्रोस्पेक्ट है, जो कि 10 साल में बहुत मल्टी बैगर रिटर्न दे। तो उनमें से कुछ स्मॉल कैप है, कुछ लार्ज कैप है, इस और सारे के सारे मुझे लगता है फंडामेंटली रिस्क फ्री स्टॉक है, एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ। हाँ, मार्केट में देखिए गिरावट हो सकती है, आपने आज खरीदा, कल के डेट में थोड़ा सा गिर गया, या थोड़ी देर तक कंसोलिडेट किया, या थोड़ा सा और गिर गया, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आप टाइम देंगे तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। उन 4 स्टॉक से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। 4 स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट, 4 तो नहीं, 3 में इन्वेस्टेड हूँ। एक में बहुत जल्दी जब अपॉर्चुनिटी मुझे लगेगा तब मैं उसमें एंट्री लूंगा, बट आपके लिए वो मैंने बार बार उनसे रिलेटेड फुल वीडियो भी बना रखी है, सबका लिंक ऊपर दे दूंगा आई बटन पे, तो उन वीडियो को जाके देख लीजिएगा। तो एक एक करके आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिले। यहाँ पर देखिए, हम स्क्रीनर पे आ गए हैं, और स्क्रीनर पे आने के बाद मैं आपको एक एक करके यहाँ पर उन वीडियो से रिलेटेड बातें करता हूँ, शेयर से रिलेटेड, कि जिससे आपको पता चलेगा कि काफी बेहतरीन शेयर है और आने वाले 10 साल इन शेयरों के लिए बने हुए हैं। देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, ये जो शेयर है ये काम करता हुआ नजर आता है काफी सारी चीजों में। मतलब डाइवर्सिफाइड इसका पोर्टफोलियो है और इंडिया में काफी ग्रोइंग मैनर से जो भागता हुआ नजर आ रहा है ना, उनमें से एक ये बिजनेस है। तो ये करता क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये LED, यहाँ पर अगर बात करें ये TVs बनाता हुआ नजर आता है, ओके, ये फोन मैन्युफैक्चर करता हुआ नजर आता है, सैमसंग, पैनासोनिक, ज़ियोमी, TCL, OnePlus, इन सभी के लिए ये काम करता हुआ नजर आता है। लाइटनिंग में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, वॉशिंग मशीन में कंपनी काम करती हुई नजर आती है, टीवी में बनाती हुई कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो मल्टी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिक्योरिटी सिस्टम, मोबाइल फोन, लाइटनिंग, होम अप्लायंसेस, LED, तो ये बिजनेस आगे चल के बहुत ग्रो करने वाला है। इंडिया यहाँ पर बहुत ज्यादा इसे PLI स्कीम दे रहा है, PLI स्कीम्स के अंदर आने पर इसे और कहते हैं ना पढ़ लग जाना, तो वो पढ़ लग जाएंगे शेयर में, ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, ओके, किस तरीके से 2000 का शेयर 21000 तक गया, फिर उसके बाद यहाँ पर आके आज की डेट में 4200 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 4500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर 3300 रुपए पे आया था, तब भी मैंने आपको बताया था, अगेन आज बता रहा हूँ, एक लंबे नजरिए से रख लीजिए, इस शेयर में लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके इसके IPO के टाइम पे मल्टी बैगर रिटर्न कमाया है, तो इसे थोड़ा सा समझिए। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी पहला पिक है। यहाँ पर बात करें तो मिड कैप क्वालिटी का नजर आता है, ROC 30 के R2 के ROC है, काफी बेहतरीन है। डेट टू इक्विटी की बात करें 21% का यहाँ पर डेट टू इक्विटी है, और ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं, ये मैं आपको जो शेयर बता रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस के लिए बता रहा हूँ कि आपको लेके भूलना है ये शेयर। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर हम देखें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं कैसे 531 रुपए का शेयर आज के डेट में काफी मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ नजर आया है। और बात करें इसके रेवेन्यू की, तो पिछले 2 क्वार्टर से जो रेवेन्यू आ रहे हैं वो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और हाईएस्ट एवर ही यहाँ पर अगर बात करें सेल्स आना शुरू हो गया है पिछले 12 क्वार्टर की। और बात करें ईयरली बेसिस पे भी यहाँ पर कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि कभी 10,000 तो कभी 5,000 इस तरीके की सेल्स हो, तो हमेशा बढ़ती हुई ग्रोइंग मैनर पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस बार का जो रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर हाईएस्ट एवर है, तो इस चीज में जहाँ पर हाईएस्ट एवर सब चीज नजर आए, तो ऐसी चीज, ऐसे शेयर में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए, इस बात को याद रखिए।
कभी बाय ऑन गिरता है तो हमेशा अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी इन शेयरों में, कभी भी आप खरीद लीजिएगा। रिजर्व्स की बात करें, 726 करोड़ का रिजर्व्स है, बोरिंग है इस कंपनी के पास, बट कोई इशू नहीं है, बोरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर बिजनेस ग्रोइंग मैनर में, और बोरिंग इसलिए ली गई हो कि वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करके और ज्यादा काम करना चाहते हैं, तो इसमें बोरिंग लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बात करें, देखिए वर्किंग प्रोग्रेस में अच्छा खासा पैसा है, 550 करोड़ रुपए का यहाँ पर एसेट है इनके पास, जो कि बढ़ती हुई नजर आ रही है, और कैश अच्छा खासा है, जो भी पैसा आता है यहाँ पर इनकी बुक में दिखाई देता है। और यहाँ पर अगर बात करें, प्रमोटर्स की होल्डिंग 35% है, बट FIIs ने यहाँ पर 20% के लगभग है, DIIs की बात करें 11% के लगभग है, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में भी यहाँ पर ये बड़े बड़े नाम नजर आ रहे हैं, 16-17% की हिस्सेदारी है, और बाकी की हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक की नजर आ रही है। तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा, काफी बेहतरीन है। बाइंग सेलिंग की किसी भी शेयर में रिकमेंडेशन नहीं है, बट नॉलेज के पर्पज से इन वीडियो को सुनिए। मैं आई बटन पर लिख दूंगा इनकी फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, उन्हें देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि ऑब्वियसली इस शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं एक अभी जो न्यू लिस्टेड IPO है उसकी, तो हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात करें, 325 रुपए पे शेयर था, मैंने तब एंट्री ली थी, और मैंने आपको बताया था कि इस शेयर में एंट्री लीजिए, वीडियो बनाई थी आपके लिए। और बात करें यहाँ पर, ये कंपनी कम्प्लीटली, मतलब तो कह सके मोस्टली यहाँ पर डिजिटल का वर्किंग में काम करती हुई नजर आती है, और उनका जो हेडक्वार्टर बैंगलोर में है, बट अगर बात करें ऑपरेशंस यहाँ पर US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इट इज एन IT कंपनी, रैंक 4 इन IT सर्विस विच वर्क्स ऑन डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है, इनके जो मैनेजमेंट है वो बेहतरीन है। अशोक सूता जी आपको पता ही है, पहले विप्रो में काम किया है, उसके बाद यहाँ पर को फाउंडर रहे हैं माइंडट्री के, एंट्री किस तरीके से भाग रहा है आपको पता ही है। इसके बाद बात करें हैप्पीएस्ट माइंड, तो यहाँ पर अगर इस कंपनी में देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है, 13,826 करोड़ का है, कब कब में मिड कैप बनेगी और कब कब में यहाँ पर इसके पीछे जीरो लगते हुए नजर आएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अगर 10 साल का विजन रखा जाए, ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न देती हुई नजर आएगी। इसमें कोई 50,000, मुझे लगता है कि किसी कोई 50,000 इन्वेस्ट कर लेगा, और 10 से 15 साल बाद अगर देखेगा तो कम से कम यहाँ पर करोड़ों रुपए यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे, इस बात को याद रखिएगा। डेट टू इक्विटी की बात करें, 35% का डेट है, ROC 34% की ROC है। IT की दिग्गज कंपनी, और IT किस तरीके से भाग रहा है आजकल, और हर प्लेटफॉर्म, मतलब अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, हर चीज में यहाँ पर IT ही काम आता है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वार्टरली रिजल्ट, और जहाँ पर ऐसी कंपनी हो जो सबसे बेहतरीन है, तो उसमें इन्वेस्ट करने से कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बात करें यहाँ पर सेल्स की, हाईएस्ट एवर सेल्स है पिछले, अगर बात करें 4-7 क्वार्टर के अंदर अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर हाईएस्ट एवर है। यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, एक आध क्वार्टर में ऊपर नीचे अगर नेट प्रॉफिट हो गया, बट रेवेन्यू हाईएस्ट एवर आ रहे हैं। पिछले अगर बात करें 9 साल की, तो यहाँ पर देखिए सेल्स 8 करोड़ की सेल्स 761 करोड़ में बदल चुकी है, इस चीज को याद रखिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर माइनस में था कभी, आज 190 करोड़ है। नेट प्रॉफिट की बात करें, -29 करोड़ से 162 करोड़ रुपीज का है। तो यहाँ पर इस कंपनी ने किस तरीके के बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है, इस चीज को ध्यान में रख के अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा। 518 करोड़ का रिजर्व है यहाँ पर कंपनी की, फिक्स 29 करोड़ की है। और यहाँ पर बात करें इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 489 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, कैश अच्छा खासा है, ट्रेड रिसीवेबल अच्छा खासा है, जो भी पैसा आता है यहाँ पर बुक में दिखाई देता है। और यहाँ बात करें ROC बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और वो इंक्रीजिंग मैनर में। प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, FIIs यहाँ पर अच्छे खासे है, DIIs ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर घटा देते हैं यहाँ पर, तो सब भी 27% की सारी पब्लिक है, उसमें भी बड़े बड़े HNI जाते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसी कंपनी की तरफ आपको नजरें बनानी है। इसके अलावा एक और कंपनी की बात करते हैं, यहाँ पर CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, अगर बात करें यहाँ पर CDSL और NSDL दो यहाँ पर नजर आते हैं। BSC ने भी इसकी होल्डिंग है, अगर बात करें 20-25% की होल्डिंग BSC ने ले रखी है। और अगर यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड बात करें, स्मॉल कैप कंपनी है, अब इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसका बिजनेस मॉडल ये है कि आप जितनी भी ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप जितना भी इन्वेस्टिंग करते हो और कभी भी शेयर को सेल करते हैं, तो उसमें से जो पैसा कटता है ना आपका ब्रोकरेज के रूप में, कुछ ना कुछ पैसा, कुछ ना कुछ हिस्सा, अगर बात करें लगभग 4 रुपए के आसपास, 4-4.5 रुपए यहाँ पर CDSL को जाता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर इस कंपनी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जिस तरीके से पिछले 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ मार्केट में एंट्री करते हुए दिखाई दिया है, और तो इंडिया में तो अभी कुछ भी नहीं, केवल 2-3% ही लोग यहाँ पर शेयर बाजार में है, बट जैसे ये जो चीज है यहाँ पर
बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो सबसे ज्यादा फायदा दो ही कंपनी CDSL और NSDL को होता हुआ नजर आएगा। NSDL लिस्टेड नहीं है तो वी कांट टेक अपॉर्चुनिटी, बट अगर बात करें CDSL यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और यहाँ पर इसने अपने अगर बात करें पिछले एक करोड़ के आसपास यहाँ पर कस्टमर जोड़े भी है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। डेट फ्री कंपनी है, 32% का ROCE है, सबके ROCE काफी बेहतरीन है, इस बात को याद रखिए। सेल्स की बात करें हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर सब चीज हाईएस्ट एवर है। और यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सब चीज हाईएस्ट एवर हो, कंटिन्यूअसली यहाँ पर इंक्रीजिंग मैनर में हो, तो ऐसी कंपनी को छोड़ना नहीं चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए। सेल्स की बात करें 344 करोड़ की सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 212 है, नेट प्रॉफिट की बात करें 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, रिजर्व की बात करें 773 करोड़ के रिजर्व है, कंपनी डेट फ्री है कंप्लीटली, फिक्स ऐसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, CWIP यहाँ पर काम करते हुए और पैसे खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए, इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट सब चीज यहाँ पर अच्छा खासा है, और यहाँ पर बात करें 193 करोड़ जो भी पैसा आता है सीधे यहाँ पर इनकी बुक में दिखाई देता है, ROCE यहाँ पर बढ़ते हुए मैनर में दिखाई दे रहा है, और बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर दे नहीं रखा, बट स्टिल अगर बात करूँ काफी बेहतरीन इसका सीट है यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में, और एवरीथिंग यहाँ लुकिंग सो फाइन। इसके अलावा चौथी और लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर बात करें कंपनी की, तो यहाँ पर जो नजर आती है वो है InfoEdge। InfoEdge ने पिछले अगर बात करें 10-12 साल में जब से मार्केट में लिस्ट हुई है, जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है 2006 से एक इंक्रीजिंग मैनर में है, और जिस तरीके से छोटी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करके और उसे उस कंपनी का यूनिकॉर्न होने का, यूनिकॉर्न मतलब 1 बिलियन डॉलर की कंपनी होने का जो वेट करते हैं उसमें सबसे बेहतरीन है। और इनके जो एक कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखे है जोमैटो, नौकरी, ओके शिक्षा डॉट कॉम, ये बड़ी बड़ी कंपनी है जहाँ पर इनको पैसा मिलता हुआ नजर आता है। मैंने इससे रिलेटेड भी पूरी वीडियो बना रखी है, जोमैटो पॉलिसी बाजार इनका IPO भी आने वाला है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, और आगे इसने ऐसी ऐसी कंपनी में और इन्वेस्ट कर रखा है जो कि आगे चल के आपको बेहतरीन, ये जो कंपनी है कब कम में इसके पीछे भी जीरो लग जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगी। मार्केट कैप की बात करें 63,802 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल है, ये भी डिजिटल ही कहीं ना कहीं कंपनी इंटरनेट से रिलेटेड काम करती हुई नजर आती है। जीवनसाथी.com बात करें यहाँ पर ROCE 4.13 है, बट इसे यहाँ पर छोड़ देंगे। डेट टू इक्विटी की बात करें ना के बराबर डेट है 1% का, और यहाँ पर अगर बात करते हैं और भी क्वार्टरली रिजल्ट काफी बेहतरीन यहाँ पर रहे हैं, बट कुछ यहाँ पर पैंडा की वजह से क्योंकि इनके बिजनेस हैम्पर हुए जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है, वरना यहाँ पर इंक्रीजिंग मैनर में ही था सब चीज, और अभी जैसे ही अनलॉक शुरू हो रहा है दोबारा इंक्रीजिंग मैनर में आएगा, और ये जैसी वैक्सीनेशन सब कंप्लीट हो जाएगी दोबारा वही ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 306 करोड़ रुपए का यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है। सेल्स की ईयरली बात करें तो वो भी इंक्रीजिंग मैनर में ही है, और वो यहाँ पर इंपैक्ट आपको पता ही है कोरोना का है, वरना यहाँ पर अच्छा खासा कंपनी फिर भी बात करें नेगेटिव से प्रॉफिट में है, 1407 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है। अब अगर बात करें यहाँ पर रिजर्व्स की, रिजर्व्स यहाँ पर अच्छे खासे हैं, 5331 करोड़ के रिजर्व्स है, बोरिंग की बात करें 65 करोड़ की ही बोरिंग है केवल, फिक्स एसेट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अच्छा खासा करता है, और भी बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, और कैश इक्विवेलेंट की बात करें 642 करोड़ का कैश भी है, और जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 38.41% की इसकी होल्डिंग है, थोड़ी बहुत यहाँ पर पिछले 2-3-4 क्वार्टर में घटती हुई नजर आई है, नो इशू, बट बात करें FIs 40% की हिस्सेदारी FIs ने, DIs की बात करें 11% की हिस्सेदारी, पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 10% की भी हिस्सेदारी नहीं है इनमें से, यहां पर अगर बात करें 4-5% की लगभग ही हिस्सेदारी पब्लिक की है, उसमें भी बड़े बड़े लोग नजर आएंगे, और रिटेल इन्वेस्टर जिनके यहाँ 2-4-5 शेयर होते हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे, बाकी सारे अच्छे खासी होल्डिंग रखने वाले ही लोग हैं। तो ये जो चार कंपनी आपको बताइए, डिक्सन टेक्नोलॉजी, हैप्पीएस्ट माइंड, सेंट्रल डिपोजिटरी, और बात करें InfoEdge, ये चार कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न फ्यूचर में देती हुई नजर आएगी, इसलिए इस कंपनी की तरफ नजरें बनाना, कभी भी आपको मौका मिले तो बाय ऑन डिप्स कर लेना, या फिर उस शेयर को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना, तो आपको 10 साल के अंदर अंदर अच्छा खासा पैसा बनाते हुए नजर आएंगे। बाकी बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर कुछ भी पोजीशन लीजिएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।